देश में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, तो वहीं बुलंदशहर जिलाधिकारी के आदेशानुसार समस्त जनपद में डोर टू डोर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसी आदेश का पालन करते हुए आज उपजिलाधिकारी खुर्जा ईशा प्रिया की मौजूदगी में मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। डीएम के आदेश पर खुर्जा तहसील में 6 टीम बनाई गई है। प्रत्येक टीम में 6 लोग शामिल है जो नगर व ग्रामीण इलाकों में जाकर डोर टू डोर लोगों की जांच करेगी। 6 लोगों की टीम में 4 मेडिकल स्टाफ सहित 1 लेखपाल व 1 सिपाही शामिल हैं। एसडीएम खुर्जा ने बताया कि खुर्जा तहसील अभी ग्रीन जोन में है, यहां अभी कोई कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। कोरोना की रोकथाम के लिए ही घर घर जाकर लोगों की जांच की जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति में कोरोना का कोई लक्षण आता है तो उसको तुरंत इलाज के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अभी तक खुर्जा ग्रीन जोन में है एक तरह से कि हमारे पास कोई मामला नहीं है, बट अब हम लोगों ने प्रिवेंटिव रूप अपना लिया है कि हम लोग डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि यदि कोई प्रोबेबल हो तो हम पहले ही उसे चिन्हित कर लें और कोरोना का संक्रमण फैलने से बचा पाएँ। इसके तहत तहसील में 6 टीमें लगी हुई हैं, 2 नेहरूपुर गाँव में, 2 नगरीय क्षेत्र में यहाँ पंजाबियान में, और 2 टीमें वाजिदपुर गाँव में अरनिया क्षेत्र में लगी हुई हैं। ये डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रही हैं। हर टीम में 6 सदस्य हैं, 4 चिकित्सा विभाग की ओर से, 1 पुलिस का स्थायी कांस्टेबल और 1 लेखपाल या संग्रामी। तो ये हम लोगों ने व्यवस्था की है कि ताकि डोर टू डोर स्क्रीनिंग बिना किसी विरोध के हो पाए। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्राधिकारी खुर्जा सुरेश कुमार ने बताया कि डीएम के आदेश पर टीम के साथ 1 सिपाही रहेगा जो कि टीम का ही मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा जिस इलाके में मेडिकल टीम जांच के लिए जाएगी उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष या चौकी प्रभारी मई फोर्स टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ताकि मेडिकल टीम को जांच के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना हो। जो मानक डीएम सर ने रखा था कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रत्येक टीम के साथ 1 कांस्टेबल रहेगा, स्थायी रूप से वो कांस्टेबल दिया गया है, वो टीम के सदस्य के रूप में है। इसके अतिरिक्त जिस इलाके में टीम जाती है उस इलाके के एसएचओ चौकी प्रभारी उनके साथ रहकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और इस संबंध में भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं कि किसी प्रकार का लोगों को भ्रम ना रहे कि ये कार्रवाई क्या है और किसी प्रकार के विरोध की स्थिति कहीं ना आए। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, टाइम 24 न्यूज़।